वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। आज हम कम्पिटेटिव एग्जाम की इंग्लिश की बकायद का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से आज हम फ्रेजर वर्ब बताने जा रहे हैं। ये फ्रेजर वर्ब इतने कठिन होते हैं कि जल्दी से हमें लर्न नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जैसे जैसे हम प्रीपोजिशन लगाएंगे उसका अर्थ उसकी मीनिंग चेंज होती रहती है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सही से पढ़ना है और लास्ट तक वीडियो को देखना है, क्योंकि इसके पहले हमने 18 पार्ट 1 और सब्स्टिट्यूशन करा चुके थे और सिनोनिम्स के 15 पार्ट करा चुके थे। इसी प्रकार हमने प्रीपोजिशन चार्ट जो भी होता है वो भी हम लगभग करा चुके हैं। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पर जाइए हमारे वी स्टडी चैनल के, वहाँ पर आपको बुकाइब्स की जितनी भी वोकैबुलरी है तो आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो फ्रेजर वर्ब है इसको कम से कम दिन भर में 3-4 बार आपको पढ़ना है, तभी आपको लर्न होगा। ट्रिक तो हम बताएंगे ट्रिक से लर्न कैसे होगा। तो आपको क्या करना है, सही से पढ़ना है। अगर आपने सही से पढ़ लिया तो इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर आपको देखने को मिलेगा। क्या करना है, ये फ्रेजर वर्ब है इसका, देखिए अभी हम समझाऊंगा, जैसे हम आपको समझाएंगे बताएंगे तो आपको लगेगा हाँ ये थोड़ा टिपिकल है याद करने में। क्यों टिपिकल है, क्योंकि एक ही मीनिंग के जैसे हम प्रीपोजिशन लगाएंगे उसका अर्थ क्या हो जाता है, हमारा दूसरा हो जाता है। उसका अर्थ हमारा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सही से पढ़ना है। चलिए आज का हम फ्रेजर वर्ब का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है जो हमारा आज का फ्रेजर वर्ब, पहला फ्रेजर वर्ब क्या है आज का हमारा, एकार्ड टू। आज ए वाले चल रहे हैं, बी वाले भी लेंगे। एकार्ड टू मतलब क्या होता है, ACORDTO। यहाँ क्या आ गया हमारा प्रीपोजिशन टू आ गया, तो क्या होगा, एकार्ड टू मतलब होता है टू प्रोवाइड, मतलब क्या होता है टू प्रोवाइड मतलब प्रदान करना। तो आप बार बार बोलते हैं, चाहे हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का हो, तो आपको क्या है कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना ही पड़ेगा। तो आप अभी से इसको लर्न करिए। जो कम्पिटेटिव एग्जाम के जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे वो तो लिखेंगे, तो सबको इसको लिख सकता है। तो क्या है, एकार्ड टू माने क्या होता है, अगर टू लगता है एकार्ड टू माने क्या होता है, टू प्रोवाइड मतलब प्रदान करना। क्या मतलब, एकार्ड टू मतलब क्या होता है कि टू प्रोवाइड या प्रदान करना। अगला आता है आइडम। क्या है, आइडम मतलब होता है टू मेक ए सेंस। क्या है, टू मेक ए सेंस मतलब सत्य या उचित प्रदान करना। क्या मतलब, सत्य या उचित प्रदान करना आइडम। क्या हमारा वर्ड, क्या हमारा आइडम है, क्या है टू मेक ए सेंस मतलब सत्य या उचित प्रतीत होना। तो आइडम कहीं भी दिखेगा उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू मेक ए सेंस मतलब सत्य या उचित प्रतीत होना। अगला हमारा क्या है, एडमिट ऑफ। इसके कई हैं तो इसको आज हम एडमिट ऑफ के एक लिया है। एडमिट ऑफ मतलब क्या होता है, गुंजाइश होना। अब देखिए कोई भी हम पेशेंट को एडमिट कराने जाते हैं, अगर वहाँ बंद होता है तो वहाँ देखते हैं क्या गुंजाइश है। तो आप ऐसे एक्सीलेट करके भी मीनिंग याद करना है। कुछ क्या है कि एक्सीलेट करके आप मीनिंग अगर याद करेंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या है, एडमिट ऑफ माने क्या होता है, टू हैव ए स्कोप मतलब टू हैव द स्कोप मतलब गुंजाइश होना। क्या मतलब, गुंजाइश होना मतलब क्या होता है, एडमिट ऑफ माने होता है ADMIT और ऑफ आगे लगाओ प्रीपोजिशन, तो क्या होगा, गुंजाइश होना। क्या होगा हमारा, गुंजाइश होना। अगला वर्ड क्या है हमारा, आंसर फॉर। आंसर के साथ फॉर लगाओ तो उसका मतलब होता है टू बी आंसरेबल मतलब जिम्मेदारी लेना, कोई चीज की जिम्मेदारी लेना। क्या है, आंसर फॉर हो जाएगा कोई भी चीज की, अगर आंसर के बाद कोई भी प्रीपोजिशन फॉर आता है तो क्या होता है, आंसर फॉर माने क्या होता है, जिम्मेदारी लेना मतलब टू बी आंसर। तो आंसर कोई भी हम चीज का उत्तर जब देंगे या कोई भी चीज की जिम्मेदारी जब लेंगे, जब आंसर फॉर लगेगा तो आंसर फॉर माने में होता है कोई चीज की जिम्मेदारी लेना या जिम्मेदारी लेना। अगला हमारा पांचों क्या है हमारा, हमारा अगला पांचों फ्रेजर वर्ब है आज का, क्या है, आक्स आफ्टर माने क्या होता है, आक्स आफ्टर माने होता है टू इंक्वायरी अबाउट, किसी के बारे में पूछताछ करना या किसी के बारे में इंक्वायरी करना, वो क्या कर रहा है कैसा है, उसके लिए आक्स आफ्टर लगता है। टू इंक्वायरी अबाउट माने किसी के बारे में पूछताछ करना।
ये हम बता रहे हैं, इसको लिखते चलिए, प्रेजर वर्ब है पेपर में। अभी जो टेम्पेस्ट टू का फॉर्म आया हुआ है उसका जो एग्जाम होगा यही पेपर में पूरा पूछा जाएगा, तो आप लोगों क्या करना है, सही से पढ़ना, बार बार बोलते हैं। अब है आज चैप्टर, मैंने हमने बता दिया बहुत बार आया है भरने के लिए, उसमें चार ऑप्शन देगा, किसी के बारे में पूछताछ करना होगा, तो आज चैप्टर आज अबाउट बहुत आएंगे, लेकिन आपको आज चैप्टर ही यूज करना है, सही से पढ़ेंगे, सही से याद करेंगे, सही से लर्न करेंगे, तभी हो पाएगा। क्या है? टू इंक्वायरी अबाउट, किसी के बारे में पूछताछ करना। तो अगला छठवां हमारा क्या है, अटेंड ऑन, क्या है हमारा वर्ड, अटेंड ऑन, ATTEND, और प्रीपोजिशन अगर ऑन आता है तो उसका मतलब क्या होता है, टू सर्व, मतलब सेवा करना, क्या करना, सेवा करना, टू सर्व करना, सेवा करना, अटेंड ऑन मतलब क्या होता है, टू सर्व करना, सेवा करना, अटेंड ऑन मतलब किसी के दिक्कत में हमें क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, टू सर्व करना चाहिए, अटेंड रहना चाहिए। अब देखिए अगला सेवंथ क्या है हमारा, बैक अप, क्या है बैक अप मतलब होता है, बैक मतलब पीछे, ऑफ हो गया कहने मतलब बैक अप हो गया, तो क्या हो गया बैक अप, OFF है, बैक अप मतलब होता है टू चूज नॉट बी टेक एक्शन, मतलब प्रॉब्लम के समय सही कदम नहीं उठाना या कदम पीछे हटाना, क्या मतलब बैक अप मतलब होता है कदम पीछे हटाना, एक इसी से रिलेटेड हुआ, देखिए यहाँ बैकअप आया है मतलब कदम पीछे हटाना। अब देखिए कोई प्रॉब्लम यहाँ क्या होगा, कोई प्रॉब्लम आने पर, कोई प्रॉब्लम आने पर कदम पीछे हटाना। अब देखिए एक बैक आउट होता है, क्या है हमने बोल रहे हैं बैक ऑफ मतलब होता है प्रॉब्लम आने पर कदम पीछे हटाना या कदम पीछे हटाना, और बैक आउट माने क्या होता है, किसी सहमत बात से पीछे हटना, हमारा एग्रीमेंट है इस बात पर, उस बात से हम पीछे हट जाना, या किसी को हमने बोले कि इस तरीके को इस डेट को मिलेंगे, उसकी बातों को हमने क्या कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया या पीछे हट गए कि हमने ये बोला ही नहीं था, तो वहाँ क्या आएगा, बैक आउट माने होता है किसी सहमत बात से पीछे हटना और किसी प्रॉब्लम के से पीछे हटना, टू नॉट बी टेक एक्शन, ये बात समझ आ गया होगा। देखिए बैकअप देख लिए यहाँ और यहाँ बैक आउट है। अब देखिए फिर अगला वर्ड क्या आ गया, बैकअप आ गया, यूपी ऑल आ गया, अप बैकअप आ गया, टू सपोर्ट मतलब सहायता देना, क्या मतलब सहायता देना, बैक अप, देखिए बैक के तीन तीन प्रीपोजिशन आ रहे हैं, प्रेजर बनवा रहे हैं, अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना डाउट होता है, एग्जामिनर वही देता है कि डाउट वाला ही देता है, तो बैक अप मतलब होता है सहायता देना, टू सपोर्ट मतलब किसी की सहायता देना, तो बैक अप मतलब क्या होता है सहायता देना। अगला हमारा वर्ड है बैंक अपान, बैंक अपान माने बैंक में लोग पैसा क्यों जमा करते हैं, क्योंकि विश्वास रहता है, तो बैंक अपान मतलब होता है टू रेली ऑन मतलब विश्वास या निर्भर होना, क्या है बैंक अपान मतलब होता है टू रेली ऑन या विश्वास या निर्भर होना, तो ये आपके 10 फ्रेजर वर्ब हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अब डेली आपके 10 फ्रेजर वर्ब कराए जाएंगे, तो एक बार हम फिर से बता दें, एकार्ड टू मतलब होता है प्रदान करना, आइडम मने होता है सत्य या उचित प्रतीत होना, एडमिट ऑफ मने होता है गुंजाइश होना, एडमिट ऑफ मने होता है गुंजाइश होना, आंसर फॉर मने होता है जिम्मेदारी लेना, टू बी आंसरेबल, आज आप पर मने होता है किसी के बारे में पूछताछ करना, टू इंक्वायरी अबाउट, अगला हमारा है अटेंड ऑन, अटेंड ऑन मतलब होता है सेवा करना, बैकअप मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम से कदम पीछे हटा लेना, बैक आउट मतलब किसी सहमत बात से पीछे हटना, बैकअप मतलब होता है सहायता देना, और बैंक अपान मतलब होता है विश्वास से निर्भर करना। अभी कहते ये हमारे 10 हमारे प्रेजर वर्ब हैं, बहुत ये काफी रजिस्टर बना लीजिए, बार बार बोलते हैं, डायरी बना लीजिए वहाँ लिखिए, और जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, इंटर के स्टूडेंट हैं, वो भी लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके इंग्लिश में आता ही आता है, तो आपको क्या कहते हैं कि ये करना ही करना, अभी से जो इंटर के स्टूडेंट हैं हमारे और जो एयरफोर्स या कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब कोई नहीं कराता, तो आपको क्या बोल, आपको यही बोला जा रहा है कि आप लिखिए,
10 मिनट का बुकाश का सेशन होता है, तो आप देखिए, आप लिखिए, बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा आपको। तो आपको क्या करना है, वी स्टडी चैनल के साथ बने रहना है, और चैनल को क्या करिए, इस चैनल को जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो शेयर करिए कि उन लोगों तक पहुंचाना है जो गांव में बैठकर तैयारी कर रहे हैं, या कोचिंग में पढ़ने कर सकते हैं, गर्ल्स के लिए जो गांव में रहकर भी तैयारी करना चाह रही हैं तो वो भी तैयारी कर सकें। तो आप लोगों की हेल्प से वहां तक मुमकिन तक वीडियो पहुंचेगी। तो आप लोगों को क्या करना है कि लोगों तक पहुंचाइए, आप भी पढ़िए और दूसरों को भी बताइए कि इस चैनल पर पढ़िए आकर। अब क्या है कि हमारे जितने भी टीचर हैं वो आ गए हैं, क्या कहते हैं, रीजनिंग देखा होगा, रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी रीजनिंग चल रही है, तो आप चलिए रीजनिंग का पढ़िए। इसी तरह क्या कहते हैं कि अभी मैथ भी चल रही है आपकी कम्पिटेटिव एग्जाम की, और इंटर टेंथ की चल ही रही है, सभी क्लासेस वी स्टडी चैनल पर मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, सही से पढ़ना है, और क्या कहते हैं, सभी वीडियो, इतनी वीडियो हमारी 180 लगभग वीडियो हो चुकी है, आप वहाँ जाइए, 10th क्लास, 11th क्वार, कम्पिटेटिव एग्जाम की सभी वीडियो आपकी पड़ी हुई है प्लेलिस्ट पर, और सब्सक्राइब करिए चैनल की, आपको डेली वीडियो मिलती रहे टाइम से जैसे ही हम अपलोड करते हैं। तो आपको क्या करना है, और हमारा जो भी चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहाँ भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सही से पढ़ना है, बार बार बोलते हैं ये क्या है, आपको टाइम खराब नहीं किया जा रहा, इसीलिए लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई जा रही बड़ी वीडियो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं फ्रेजर वर्ब के साथ, अच्छे फ्रेजर वर्ब के साथ जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।